देश में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से परेशान चीन ने भारत के सामने बैठक में इस मुद्दे को उठाया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में हुई द्विपक्षीय बैठक में चीन ने अपनी बात रखी। हालांकि भारत ने इस पर दो टुक कह दिया कि सुरक्षा कारणों के लिहाज से यह फैसला लिया गया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक राजनयिक स्तर की वार्ता के दौरान चीन की ओर से यह मुद्दा उठाया गया। भारत की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और हम अपने नागरिकों के संवेदनशील डेटा से समझौता नहीं कर सकते। हाल ही में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टिकटॉक, हेलो और वीचैट समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। 29 जून को जारी आदेश में केंद्र सरकार ने इन ऐप्स पर यूजर्स की जानकारी चोरी करने को लेकर चिंता जताई थी। प्रतिबंध के बाद चीन की ओर से बयान जारी किया गया था कि भारत का ये फर्ज बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकार की रक्षा करे। केंद्र सरकार ने फैसला ऐसे समय पर लिया था जब चीन के साथ सीमा विवाद का तनाव चरम पर पहुंचा हुआ था। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि उनके भी कई सैनिक मारे गए थे। भारत की ओर से बनाए गए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन को झुकना पड़ा और उसे गलवान घाटी से अपने टेंट हटाने पड़े। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।